एक ओल्ड मैन ने एक लड़की पर बहुत सारे एहसान किए थे तो उसकी वो मिस्ट्रेस बन जाती है। पर प्रॉब्लम तब आई जब ओल्ड मैन के बेटे को उसी लड़की से प्यार हो जाता है। क्या एहसानों के बोझ के तले इनका प्यार डूब जाएगा, यह हम आज की हमारी मूवी द मिस्ट्रेस 2012 की एक फिलिपाइन की मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर जेडी और सारी इन दोनों को एक बुक स्टोर में देखते हैं। जेडी ने उसे देखा और उसे बहुत ही अच्छी लगती है। सारी ने भी उसे पूरी तरीके से नोटिस किया पर वो ज्यादा उसे कुछ भाव नहीं देती। उसे एक सूट के ऊपर बुक बहुत ही अच्छी लगी थी पर वो जरा कॉस्टली थी तो रख कर वो चली जाती है। जेडी कहता है कि अगर तुम्हें बुक पसंद है तो तुम्हें बाय करनी चाहिए। इसका कवर भी उसने निकाल दिया। उसे अपना नाम बताता है पर कॉल आने की वजह से वो जरा डिस्ट्रैक्ट हो गया तो सारी वहां से चली जाती है। बाहर बारिश हो रही थी तो जेडी ने कहा कि हम कॉफी पीते हैं। सारी कहती कि जो भी चीज तुम चाहते हो ये हमेशा तुम पा नहीं सकते। जेडी कहता है कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करता और उस वजह से सब कुछ पा लेता हूँ। उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ कॉफी पियोगे तो बुक में तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा। वैसे भी बारिश चल रही है, तुम जा नहीं पाओगी। सारी फिर भी मानती नहीं तो उसने कहा कि मैं 10 तक काउंटडाउन करता हूँ, अगर 10 तक ये बारिश खत्म नहीं होती तो मेरे साथ कॉफी पीना। वो काउंटडाउन करने लग गया पर 10 आने से पहले ही बारिश रुक जाती है। सारी कहकर गई कि हर बार तुम जो चाहते हो तुम्हें नहीं मिल सकता। इसके बाद हम जेडी को उसके फादर की कंपनी में एक बड़ी सी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हुए देख सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में जेडी के फादर जिनका नाम है टॉरेंस, इनसे पूछा जाता है 2 साल पहले आपके बड़े बेटे की डेथ हो गई, इसके बाद आप कंपनी को कैसे संभालेंगे। टॉरेंस ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस कंपनी को कुछ भी होने नहीं दूंगा। ये इनकी मीटिंग सक्सेसफुल थी। सारी एक सूट के शॉप में काम करती थी, इन्हें डिजाइन करना उसे बहुत ही अच्छा लगता था, यही उसका पैशन है। यहाँ के एम्प्लॉय एक छोटा सा लड़का था जो सारी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, उसे प्रपोज कर देता है। उसे ना कहती है तो बेचारा बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम जेडी को एक लड़की के साथ देखते हैं। वो लड़की कहती कि शायद मुझे तुमसे प्यार हो रहा है, पर जेडी इसके लिए मना कर देता है। उसने कहा कि हमें हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। सारे के घर पर उसकी मदर, ग्रैंड मदर और उसके ब्रदर सिस्टर्स थे। ग्रैंड मदर की तबीयत हमेशा खराब रहती है, उसे भूलने की बीमारी है, तो सारी ने हमेशा उनका ख्याल रखा है। ग्रैंड मदर भी सारी पर बहुत प्राउड थी। जब सारी बहुत छोटी थी तभी उसके फादर की डेथ हो गई थी और उसकी मदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। हमेशा ग्रैंड मदर ने उनका ख्याल रखा था तो इस वजह से अपने ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती है। अगले दिन जेडी अपने पार्टनर के साथ सारी के ऑफिस में आता है। जेडी के फादर की इतनी बड़ी कंपनी है पर फिर भी एज आर्किटेक्ट वो कहीं और काम करता है क्योंकि अपने फादर से उसकी बनती नहीं। जेडी को एक बहुत बड़ा क्लाइंट चाहिए था पर वो अपने सूट इसी शॉप से सिलवाता है। इस शॉप को भी रेनोवेटिंग की जरूरत थी तो जेडी ने कहा कि अगर हम यहाँ पर अच्छे से काम करते तो एक बड़ा क्लाइंट भी हमें मिल सकता है, इसी वजह से उन्होंने जॉब ले लिया। सारी यहाँ पर जेडी को देखकर सरप्राइज थी। जेडी भी उसके पीछे पीछे आ गया, अपने फोन से उसे वो कैप्चर कर लेता है, उसे फिर से नोटिस करती है। जेडी ने कहा कि जब भी कोई लड़की मुझे इस तरीके से देखती है तो मेरे वो कपड़े निकालना चाहती है। सारी कहती कि पहले तो मैं तुम्हारी पैंट निकालना चाहती हूँ, ये बहुत ही घटिया है, इसमें तुम बहुत ही शॉर्ट लगते हो। जेडी इस पर बहुत हंसा। वो कहता है कि पूरे वीक में तुम्हारे बारे में सोचता रहा, क्या मेरे साथ कॉफी पर चलोगी। पर सारी इस बार भी उसे मना कर देती है। उसे फिर से एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है तो उसे जाना पड़ा, पर उसे कहकर जाता है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ और पाक कर रहूंगा। संडे को जेडी अपनी मदर से मिलने के लिए गया। मदर कहती कि अब तुम्हें कंपनी का काम संभाल लेना चाहिए। जेडी कहता है कि फादर को मेरी कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी हम दोनों की विजन मैच नहीं करती, अगर बड़े भाई जिंदा होते तो मेरी किसी को जरूरत भी नहीं पड़ती। मदर ने कहा कि फादर के जाने के बाद तुम्हें ही सब कुछ संभाल लेना है, अभी से तुम्हें काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। पर जेडी इसके लिए नहीं मानता। एक दिन जेडी खुद सारी के लिए कॉफी लेकर आया। आज थर्सडे था तो एम्प्लॉयज कहती कि आज उसका ऑफ होता है। सारी एक हाउस में आई, वहां पर सब कुछ वो रेडी करती है। उसने खाना वगैरह बनाया और उसके बाद टॉरेंस उसे मिलने के लिए आया। टॉरेंस जेडी के ही फादर है, ये एक दूसरे के साथ 5 साल से रिलेशनशिप में है और एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं। टॉरेंस ने कहा कि जो बिजनेस बुक मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए कही थी क्या तुमने वो पढ़ डाली। सारी उसमें उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। टॉरेंस कहते कि मैं तुम्हें एक बिजनेस बना कर दे सकता हूँ। सारी ने कहा कि ऑलरेडी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। टॉरेंस उसको जिंदगी भर के लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस रेडी कर देना चाहते थे। वो अपने बिजनेस की प्रॉब्लम बताते कि सब लोग जरा डर रहे क्योंकि 2 साल में मैं रिटायर होने वाला हूँ। टॉरेंस ने कहा कि मेरे छोटे बेटे को मेरा बिजनेस संभालना चाहिए, पर वो मानता ही नहीं। अब जब वो सारी के साथ है तो ये कुछ भी वरी नहीं करना चाहते, उसके साथ अपना टाइम वो एंजॉय करते हैं। उन्होंने उसे पूछा कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। सारी कहती कि मैं किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। टॉरेंस ने कहा कि तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ नहीं रह सकती, तुम्हें एक अच्छा पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए।
जेडी अपने मदर से मिलने के लिए जाता है। मदर बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी क्योंकि उसे टॉरेस के अफेयर के बारे में पता है। मदर ने कहा कि अब तुम्हारे फादर का किसी यंग लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। उनके गुजर जाने के बाद उन्होंने उसके लिए कुछ पैसे भी रखे। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। जेडी कहता है कि आप डिवोर्स क्यों नहीं लेती। मदर कहती कि मैंने तुम्हारे फादर से प्यार किया है, अब वो जैसे भी है, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तुम भी लाइफ में कभी किसी से प्यार करोगे और उनके सारे फॉल्ट होते हुए भी उनसे प्यार करते रहोगे। अगले दिन जेडी गुस्से में अपने फादर से मिलने के लिए गया। फादर कहते कि अगर तुम कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमेशा तुम्हारी जगह यहाँ पर है। जेडी कहता है कि कभी भी आपको मेरी ज़रूरत नहीं थी। जब मैं यहाँ पर काम कर रहा था तो हर दिन आपने मुझे याद दिलाया कि मैं कितना बड़ा नालायक हूँ। फादर ने कहा कि तब तुम्हारे बड़े भाई की रिसेंटली डेथ हुई थी और उसी वजह से मैं ज़रा डिस्टर्ब था। जेडी गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया और कहा कि मुझे इस प्रोजेक्ट से निकाल दो। फ्रेंड ने कहा कि तुमने कमिटमेंट की थी, अब तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद वो डायरेक्टली सारी से मिलने के लिए आता है। उसे पूरा ऑफिस दिखा रही थी और कहती कि तुम्हें अपने लिए भी सूट बनवा लेना चाहिए। जेडी इसके लिए हाँ कहता है। वो ज़रा डिस्टर्ब लग रहा था। सारी उसका मेजरमेंट ले रही थी पर वो ज़्यादा डिस्टर्ब होकर वहाँ से चला जाता है। कल वो सारी के लिए कॉफ़ी लेकर आया था जिसके लिए उसे थैंक यू कह दिया। उसके डिस्टर्ब होने का पीछे का रीज़न ये था कि अपने फादर को उसने कन्फ्रंट किया और फादर ने उसे सारी के बारे में बता दिया था। ये उसे एक बहुत ही बड़ा शॉक लगता है। अपना दिल हल्का करने के लिए अपने फ्रेंड को ये सारी बात वो बता देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेडी की मदर ने एक पेंटिंग मंगवाई हुई थी। एक बार मदर का भी एक आर्टिस्ट के साथ अफेयर हुआ था, उसी की पेंटिंग वो बाय करती रहती है। इस बात के बारे में टॉरेंस को पता था। मदर ने कहा कि पहले तो अफेयर तुमने किया था। टॉरेंस कहते कि मैंने अफेयर किया पर तुमने उससे प्यार किया था। जेडी ने सारी को इग्नोर करने की बहुत कोशिश की पर उससे दूर नहीं रह सकता। उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चल सकती हो। उसे फिर से मना कर दिया पर इस बार वो गुस्सा हो गया। वो कहता है कि तुम्हें मुझे लाइक करती हो, इसमें प्रॉब्लम क्या है। वो बेसिकली उसे फोर्स करने लग गया था तो सारी ने एक पिन लेकर उसे मारा और वो अपना कॉल उठाने के लिए चली जाती है। उसे पता चला कि ग्रैंड माँ मिसिंग है। जेडी उसके साथ ग्रैंड माँ को हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करता है। फाइनली उन्हें वो मिल ही गई। सारी के ब्रदर्स और सिस्टर के साथ उसने टाइम स्पेंड किया। सुबह उसने जो भी किया था इसके लिए उसे सॉरी कहता है। सारी ने भी उसे थैंक यू कहा। वो अपनी फैमिली की सारी सिचुएशन समझा देती है। टॉरेस के साथ उसकी जो भी रिलेशनशिप है इसके बारे में भी उसने उसे बता दिया। वो कहती कि हर थर्सडे मुझे उसे देना पड़ता है। ये सब जानने के बावजूद भी जेडी उसे डेट के लिए पूछ रहा था तो सारी मान गई। डेट पर सारी जेडी से कहती है, 5 साल से मैं लोगों से झूठी कहती आ रही हूँ। कल फर्स्ट टाइम ऑनेस्टली मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था। सारी जेडी को टॉरेंस ने उसे जो घर दिया था इसमें लेकर आई। वो कहते कि टॉरेंस के बेटे की जब डेथ हो गई तो बहुत ही डिस्टर्ब था। सब लोग उससे दूर चले गए थे, उसे सहारे की ज़रूरत थी। टॉरेंस ने हमारी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया था और इसी वजह से मैंने उसे सहारा दिया। जेडी कहती कि तुम एहसानों की वजह से दब चुकी हो, तुम इस सबसे बेटर डिजर्व करती हो। जेडी ने सब बात जब अपने फ्रेंड को बताई तो फ्रेंड कहता है कि तुम ये कर क्या रहे हो। जेडी कहता है कि मैं उसे प्यार करने लग गया और मैं उसे बचाना चाहता हूँ। एक रात उसने सारी को ड्रॉप किया और उसने कहा कि मैं तुम पर गिव अप नहीं करने वाला। एक दिन आएगा जब तुम थर्सडे को किसी के पास भी नहीं जाओगी, मैं सारे दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा, तो एक दिन भी तुम मेरे बिना नहीं जी पाओगी। नेक्स्ट डे उसके साथ वो डेट पर जाना चाहता था पर सारे ने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ। जेडी अगले दिन पार्सल लेकर आता है और वहीं पर अपनी डेट वो सेलिब्रेट करते हैं। सारी के ऑफिस का छोटा सा बच्चा इससे जेलस हो जाता है, वो भी उसके लिए लंच लेकर आता है। जेडी सारी और उसकी फैमिली के साथ भी बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लग गया। ये सब मिलकर गेम्स खेलते थे। जेडी सारी से कहता है कि अगर मैं गेम जीत चाहता हूँ तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। वो एक्चुअल में जीत गया और सारी जब उसे गाल पर किस कर रही थी तो उसे लिप पर किस कर लेता है। एक दिन जेडी ने सारी से पूछा कि इमेजिन करो कि हम दोनों शादीशुदा है, हमारी लाइफ कितनी परफेक्ट होगी। हमारे 4-5 बच्चे होंगे, मैं काम पर जाऊंगा और मेरे सारे सूट्स तुम ही डिजाइन करोगी। सारी ने कहा कि मैं मेरी फैमिली को नहीं छोड़ सकती, मेरे साथ तुम्हें इन सब का भी ख्याल रखना पड़ेगा। जेडी कहता है कि इस बात से मैं तुम पर और भी ज़्यादा प्यार करने लग गया हूँ। वो सबको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था। थर्सडे को सारी फिर से टॉरेस से मिलने के लिए गई। टॉरेस ने पूछा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है। वो उस छोटे बच्चे के बारे में बात कर रहा था पर सारी जेडी के बारे में उसे बता देती है। जेडी का एक्चुअल नाम कुछ अलग है और इसी वजह से टॉरेस उसे पहचान नहीं पाता। उसके बारे में पता चलने के बाद टॉरेस जरा जेलस हो गया। आज रात इंटीमेट होने के बाद टॉरेस ने कहा, मुझे पहले लगता था कि मैं तुम्हें शेयर कर सकता हूँ पर तुम मुझे सिर्फ मेरे लिए चाहिए हो। उसके लिए और भी ज़्यादा पजेसिव हो गया। थर्सडे के अलावा किसी और दिन भी उसके साथ वो डिनर करना चाहता था। सारी इसके लिए मना करने की कोशिश करती है पर टॉरेस मानता नहीं।
शॉप पर जेडी भी उसका वेट कर रहा था। वो भी उसे डिनर के लिए पूछता है। सारी के मोबाइल से उसे पता चल गया कि टॉरिस उसे डिनर पर लेकर जाना चाहता है, पर जेडी ने कहा कि उससे अच्छी कंपनी तो मैं हूँ। सारी कहती है मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा सकती। इस बात से जेडी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इस तरीके से उससे मिलना मुझे तुम्हारा अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा कुत्ता बनकर नहीं रह सकता, मुझे सिर्फ एक चांस दो, मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। सारी इस पर कुछ भी बोल नहीं पाती। टॉरिस ने प्लान बनाया कि सारी के साथ 2 वीक्स के लिए वैकेशन पर जाएगा। काम छोड़कर जाने के लिए सारी मना कर रही थी तो जेडी कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बॉस से परमिशन निकाल ली है। उसे रात में डिनर के लिए लेकर आता है और उसी रेस्टोरेंट में जेडी की मदर भी थी। उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगी। सारी को देखकर कहती है तुम एक सेक्स वर्कर की तरह लगती हो। वो वहां पर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा करती है। जेडी अपनी मदर को संभालने लग गया। सारी को अब पता चला कि जेडी टॉरिस का बेटा है। इस बात से उसे बहुत बुरा लगता है। जेडी रात में उसे मिलने के लिए आया। वो डायरेक्टली उसके साथ इंटीमेट होने लग जाती है, कहती कि तुम यही सब चाहते हो। जेडी कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने वाला था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो बाद में उसे बहुत बार कॉल करने की कोशिश करता है पर सारी उसे इग्नोर कर देती है। सारी के क्लाइंट की वेडिंग थी, उसका सूट अच्छे से रेडी नहीं हुआ था। सारी अब सब कुछ चेंजेस कर खुद इस सूट को देने के लिए जाने वाली थी। वह रात में उसे बहुत लेट हो जाता है। उसके ऑफिस के बाहर जेडी उसका वेट कर ही रहा था। इतने रात में सारी को कोई भी ट्रांसपोर्ट मिलने नहीं वाला था तो फ्रेंड्स कहती है कि प्लीज़ जेडी के साथ चली जाओ। जेडी सारी को सॉरी कहता है। उसने कहा कि जब मुझे फादर और तुम्हारे बारे में पता चला तब मैं जानना चाहता था तुम दोनों ने एक दूसरे में देखा क्या। मैं तुम्हें पहले से लाइक करता था और बाद में मुझे तुमसे प्यार हो गया। सारी इस पर कुछ भी नहीं बोलती। ये दोनों वेडिंग में गए। सारी ने पूछा तुमने अपना नाम जेडी क्यों बताया। जेडी कहता है कि मेरी मदर ने एक बार आर्टिस्ट के साथ अफेयर किया था, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। वो काम करते वक्त अपने फादर के इनिशियल्स लगाता है। जेडी के फादर को कभी भी ये बात पता नहीं थी। उसने सारी से कहा कि जिस सिचुएशन में हम फंसे हुए अगर ये सिचुएशन ना होती तो कितना अच्छा होता। एक बार हमारी लाइफ इमेजिन कर देखो। सारी ने सब कुछ इमेजिन किया, उसे बहुत अच्छा लगा। रात में कैंडल्स को आकाश में छोड़ते हैं। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि सब कुछ बात वो टॉरिस को बता देंगे। ये सब सुनकर टॉरिस को बहुत बड़ा शॉक लगा। वो गुस्से में घर से बाहर निकले और उन्होंने जेडी को देखा। उसे मारकर पूछते कि तुम प्रूफ क्या करना चाहते थे। गुस्से में उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। डॉक्टर जेडी को बताते हैं कि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मदर सब बात पता चलने के बाद कहती है कि तुम ये सब कर कैसे सकते हो। उस पर बहुत अपसेट थी। वो सारी जहाँ पर काम करती है वहाँ पर जाकर उसकी बहुत बदनामी कर आती है। उसका सीक्रेट सब लोगों को पता चल गया था। सारी के मदर ने कहा कि कोई भी तुम्हें जज नहीं कर सकता। सारी कहती कि सब गलती मेरी ही है। ग्रैंड मदर कहती कि तुमसे गलती होगी पर अब तुम्हें जो भी पनिशमेंट मिले इसे तुम एक्सेप्ट कर लेना। टॉरिस अपने वाइफ से कहते कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। उन्होंने जेडी को CEO बना दिया। जेडी कहता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। फादर कहते हैं कि तुम भर ही सब लोगों के जॉब डिपेंडेंट है, तुम्हें लोगों के लिए करना पड़ेगा। उन्होंने सब चीज़ों के लिए उसे माफ़ कर दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि प्यार किसी से भी हो सकता है। टॉरिस के डेथ के बाद सारी ने डिसाइड किया था कि उससे वो नहीं मिलने वाली। उसके बाद डायरेक्टली 1 साल बीत गया था। जेडी ने अपनी कंपनी बहुत अच्छे से संभाल ली थी और लोग उसे लाइक भी करने लग गए थे। सारी ने अपने शॉप को पूरी तरीके से बदल दिया और अपना बिजनेस वो अच्छी तरीके से कर रही थी। जेडी अभी भी उसे भूल नहीं पाया और एक रात उसे मिलने के लिए चला जाता है। इन्होंने रियलाइज़ किया कि एक दूसरे से दूर ही नहीं रह सकते और फिर से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारे मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।